स्टूडेंट्स आप सरस्वती विद्या मंदिर क्लास 10। नाउ वी आर टर्न ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। द टोटल नंबर ऑफ वीडियो ऑन डेवलपमेंट इज 11 वीडियोस। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 11 वीडियो, इन होल 11 वीडियो, दिस चैप्टर वर एक्सप्लेन डीपली and critically also. Thus you all requested to make your notes. The homework were given, make your notes point wise and also with question answer which is given in chapter, and also send your class teacher or subject teacher, you can even send to me your notes, sir. Those are students who read economics in English medium. The last point of development is sustainability of development. अभी पूरे समाज के सामने, दुनिया के सामने अगर हम कहें, ऐसे तो कोरोना से सारा दुनिया ग्रस्त है अभी और जूझ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो विकास की रफ्तार हमने चुनी है और जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, समस्त दुनिया के सामने एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विकास की रफ्तार बनी रहेगी? क्या जिस तरह से जंगल कट रहे हैं, उपजाऊ भूमि कम हो रही है, जल स्रोत नीचे जा रहे हैं, पानी के जल स्रोत जो है नीचे जा रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ओवरऑल और इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो इस कारण से कभी कभी एनर्जी सोर्सेज हमारे समाप्त हो रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो एक जो क्वेश्चन सबके मन में उठ रहा है कि क्या ये विकास से जो है इसकी सततता बनी रहेगी, इसकी धारणीयता बनी रहेगी, इसको हम धारण कर पाएंगे, दिस फीचर ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन बाय प्रेजेंट जनरेशन टू द फ्यूचर जनरेशन। तो इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि नहीं, अगर हम इस तरह से करते रहें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 50 सालों में धरती के अधिकांश जो स्रोत हैं, एनर्जी स्रोत हो या खनिज पदार्थ हो या भूमि की उर्वरा शक्ति हो या हवा की क्वालिटी हो या पीने योग्य जल की मात्रा हो, ये सभी कुछ आने वाले 50 सालों में खत्म हो जाएंगे और भावी पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। तो नाउ द टाइम इज सस्टेनेबिलिटी साइंस। सस्टेनेबिलिटी इज अ साइंस विच शुड बी एडॉप्टेड बाई ऑल नेशन नाउ डेज फॉर देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस। वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development, it refers that type of development which can be maintained in future for future generation and which is also eco-friendly. So, how can we achieve the sustainable developmental process in our production and in our developmental process? So, sustainable development कहता है कि हमें उन उपायों को खोजना चाहिए, विकास की उन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। वी मस्ट हैव टू अडॉप्ट दोज डेवलपमेंटल प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज इको फ्रेंडली, यानी उसका एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और साथ ही जो हमारे भावी पीढ़ी के लिए बना रहे, एंड एटलीस्ट वी कैन सर्व आवर अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन इन द सेम क्वालिटी इन विच वी इंजॉय दिस अर्थ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी मूव फ्रॉम केमिकल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग वंस अगेन। वी ऑल्सो हैव टू डाइवर्ट आवर एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो हमारे कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। सोलर, विंड एनर्जी सोर्सेज एंड अदर ऑल्सो एनर्जी सोर्सेज आर अवेलेबल विच इज इको फ्रेंडली, सो वी हैव टू मूव from our non-conventional energy sources. Mass use of seafoods, because आने वाले दिनों में कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, भोजन की मांग बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें सी फूड्स की ओर डाइवर्ट होना होगा और भोजन के नए स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, क्योंकि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये आशंका जताई जा रही है कि जो समुद्र तट के इलाके हैं वो डूब जाएंगे, तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और पूरे हीट को, जो वायुमंडलीय तापमान है, उसको कम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इम्पैक्ट से बचा जा सके। और बड़े पैमाने पे हमें
इनोवेशन करने होंगे ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को हमको इनोवेट करना पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि पुनः हमें अपने परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, पहले की संस्कृति और परंपराओं को अपनाना होगा, तो ये कोरोना भी हमें सीख दे रहा है कि वंस अगेन वी हैव टू मूव बैक, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इफ वी ऑल विलिंग टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी साइंस। इसके लिए बहुत सारे कुछ किए जा सकते हैं, ए लॉट ऑफ स्टडी, बट यू हैव जस्ट टू क्रिएट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वॉट कैन बी डू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So, a student, in this way, the chapter will get completed, and I hope that you all understand this chapter very easily through the 11 videos which I sent already. And you all are also requested once again to make your notes point-wise and with question answer, and also must send on the WhatsApp of subject teacher or class teacher. Thank you.